जिस राज्य में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हो, संसदीय परंपराओं और मर्यादा का हत्या की जा रही हो, ऐसे प्रदेश में अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा तो फिर धारा 356 का क्या अर्थ है। सदन में हारी मुख्यमंत्री और आज तक उनके पास 32 छोड़ के 3300 विधायक नहीं है और 37 विधायक उनके खिलाफ, और फिर भी वो सत्ता पे चिपके हुए हैं, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दे रहे और अपना अल्पमत को बहुमत में सिद्ध करने के लिए वो सब हथकंडे अपना रहे हैं जो कि निंदनीय है। ऐसी स्थिति में जहां विधानसभा अध्यक्ष अपने कर्तव्यों का पालन नियम अनुसार न करे, मुख्यमंत्री किसी भी परंपरा का जो है वो ना करे आचरण, तो ये तो लगना ही था, स्वाभाविक है और ये बहुत अच्छा कदम है। अब राष्ट्रपति शासन में जो इनकी नीतियां थी जिससे कि राज्य का विकास अवरुद्ध हो रहा था, जिससे भ्रष्टाचार बहुत फैल गया था, खनन में, शराब में, जमीनों में, वो सब पे जांच होनी चाहिए और मैं ये चाहूंगा कि बहुत लंबे समय तक वहां राष्ट्रपति शासन न लगे और वहां पे चुनाव होने चाहिए।